आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते हैं उत्तराखंड की कुछ खबरों पर। बाजपुर के थाना केला खेड़ा में अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सीओ बाजपुर वंदना वर्मा, एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने क्षेत्र के सभी धर्म गुरुओं को सम्मानित लोगों के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। साथ ही एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने सभी से अपील की है कि क्षेत्र में किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे। कोई भी चुनाव में शराब पैसे आदि बांटता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। साथ ही सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि सभी सीमाओं पर पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा 8 जनवरी को चुनाव की घोषणा की गई और चुनाव घोषणा होते ही हमारे जनपद में और 65 गदरपुर विधानसभा में आदर्श आचार संहिता प्रभावित हुई है। उसको देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टिगत से आज यहाँ पीस कमेटी की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सीओ मैडम यशो साहब और यहाँ के जो हमारे धर्मगुरु हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं और सब लोग उपस्थित थे। तो उनके मध्य तो एक तो लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में उनको जानकारी दी गई और जो हमारे धार्मिक प्रतिष्ठान हैं उसमें जो लाउड स्पीकर वगैरह लगे हैं उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि उसको उसका जो वॉल्यूम हो उसको थोड़ा कम रखा जाए और इसके अलावा सामाजिक सौहार्द बनाए रखा जाए। और जो माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा डीएम साहब द्वारा जो धारा 144 लागू की गई है, जिसमें यह है कि बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे और इस समय राजनीतिक रैलियां और धरना प्रदर्शन वगैरह और रोड्स वगैरह पूर्णतः आज तक प्रतिबंधित है और कल से अलग गाइडलाइन है, तो उसके संबंध में जानकारी दी गई। इसी तरीके से यदि राजनीतिक कोई प्रचार प्रसार है और कहीं दुष्प्रचार अगर हो रहा है और उसके साथ साथ कहीं पोस्टर बैनर वगैरह पब्लिक प्रॉपर्टी में या निजी प्रॉपर्टी में भवन स्वामी की असहमत से लगे हुए हैं, तो नागरिक जो है सीविजिल ऐप के माध्यम से उसको उसकी। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जहां पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में बेहतर काम किए हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि इस पार्टी का काम सिर्फ आरोप लगाना ही है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तराखंड की जनता मोदी को वोट नहीं देती है तो यह उनका अपमान होगा। चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही शिक्षकों के बंपर तबादले के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह तबादले उनके या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्तर से नहीं हुए हैं, यह नीति के तहत चीफ सेक्रेटरी की ओर से किए गए हैं। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग गलत नहीं है, शिक्षा विभाग जैसा विभाग कोई हो नहीं सकता, लेकिन जब शिक्षा विभाग को उद्योग विभाग बनाया जाएगा तो जनता क्यों बर्दाश्त करेगी। लेकिन जब शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए काम किया जाएगा, प्रदेश में पहाड़ में दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षक ना होने की वजह से हड़तालें होती थी, उसको खत्म किया गया, विषयवार अध्यापकों की तैनाती की गई, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए काम किया गया, जिसका प्रमाण है कि नीति आयोग ने उत्तराखंड को शिक्षा की गुणवत्ता के लिए चौथा स्थान दिया। मैं शिक्षक भाइयों को बधाई देता हूँ और अटल उत्कृष्ट विद्यालय हमने बनाए, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया, तो हमारे शिक्षक भाइयों बहनों, हमारी विधानसभा की जनता है ये सब जानती है कि शिक्षा विभाग को जो शिक्षा विभाग जैसे चलाएगा उस मिथक को तोड़ते हुए गदरपुर की जनता के नाम ये तगमा ये शिकार। आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन द्वारा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव कराने को लेकर प्रयास शुरू कर दी गई है, जहां जोशीमठ में स्थानीय प्रशासन ने पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स आईटीबीपी के साथ मिलकर जोशीमठ मुख्य बाजार में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान प्रशासन में आम जनता को कोविड-19 का पालन करने के प्रति जागरूक किया गया। बता दें कि आचार संहिता लगने के बाद से स्थानीय प्रशासन द्वारा निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव संबंध कराने को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है।
देहरादून में हरक सिंह रावत की आज कांग्रेस में ज्वाइनिंग नहीं होगी। बताया जा रहा है कि हरक सिंह कांग्रेस नेताओं से बातचीत करने वाले हैं, वहीं हरीश रावत से भी हरक सिंह रावत की मुलाकात होने वाली है। फिलहाल हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यालय में भी कोई हलचल नहीं है। माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग कल हो सकती है। सूत्र बताते हैं कि हरक सिंह रावत अपने तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थक विधायकों को इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं और एक बड़े जनसमर्थन के साथ कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। हमारी पार्टी में वो आए और हमने उनको बहुत सहज से और कई बार जो विकास के मामले में उन्होंने जितनी बातें भी जो भी करी हम लोगों ने हमेशा किया, लेकिन हमारी पार्टी हमेशा विकासवाद पर चलने वाली पार्टी है, राष्ट्रवाद पर चलने वाली पार्टी है, वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी हमारा परिवार बड़ा परिवार है हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चले, लेकिन यहां पर चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। इन्होंने मनगणन खबरों के आधार पर निर्णय ले लिया। अब क्या बोलेंगे, क्या ये बोलेंगे कि हाँ हमने हरक सिंह को काम नहीं करने दिया, मेडिकल कॉलेज नहीं बना दिया, हमने सेंट्रल स्कूल नहीं खोला, हमने रुद्रप्रयाग कुर्दार जिला नहीं बनाया, हमने रोजगार नहीं दिया लोगों को, हमने महंगाई कर दी, हमें कमियां ही कमी, ये तो नहीं बोलेंगे ना। अरे जिनके घर शीशे होते हैं उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए। मैं इन सबको समझता हूँ ना, सबको समझता हूँ, मैं ऊपर से लेकर नीचे सबको जानता हूँ मैं। सर इस विधानसभा ऐसा ना हमारे में सब नंगे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ। अब मेरे पे लांछन लगा के मेरे पे पत्थर डाल के कि मैं इसलिए मैंने पला जो सिर्फ इतना तीन चार दिन पहले कहा, मैंने कहा देखो मैं अभी वहां गया था। विधानसभा चुनाव प्रचार में आजकल कुछ पार्टियों द्वारा शासन प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का खुल्लम खुल्ला धज्जे उड़ाई जा रही हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे ही सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली और कुछ पार्टियों ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। जैसे आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी ममता सिंह ने गांव दर गांव जाकर चुनाव प्रचार चलाया है, उसी को देखते हुए विधानसभा ज्वालापुर के जनता के बीच जा रही है और शासन प्रशासन द्वारा गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ना तो मास्क का प्रयोग किया जा रहा है और ना ही सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। रुड़की के विपरान कलियर में डीएफओ ने आरा मशीन व का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अनियमितता पाने पर एक आरा मशीन को सीज कर दिया गया, जबकि मशीन की जांच की जा रही है। इस दौरान उन्होंने आरा मशीनों के दस्तावेज की जांच की है जिसमें अनियमितता मिलने पर एक आरा मशीन को सीज कर दिया है। इस संबंध में मशीन स्वामियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। आरा मशीनों को सीज किया गया है, इनके जो स्टॉक रजिस्टर है वो मैच नहीं कर रहे हैं और कंप्लीट भी नहीं है, जो लकड़ी है और रवन्ने हैं वो भी मैच नहीं कर रहे हैं, की वो अभी इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, सीज किया गया है और ये भी अवैध प्राइम ऑफिसर अवैध सामने आ रहा है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर गई हैं। वहीं विधानसभा पिराना कलियर में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम ने कहा कि सरकार ने महंगाई से जनता की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि विकास को लेकर तो पिरान कलियर एक धार्मिक स्थल है जहां के विधायक कांग्रेसी हैं, 10 साल राज कर चुके हैं लेकिन विधानसभा कलियर की गंदगी साफ नहीं निकाल पाए। जी का एक बयान आया था कि मेरा विकास देखना हो तो गांव में जाइए, तो मैं आज बेड़ला गांव में आया था यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेनिंग में, तो मैं विकास दिखाना चाहूँगा। आप ये देखिए, ये यहाँ पे पूरा विकास दिखाई है, ये तालाब है यहाँ पे और कितना बड़ा सौंदर्यकरण कराया गया है विधायक जी के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा, विधायक जी के द्वारा। आप ये देखिए, ये रोड पर गोबर पड़ा है, मैं बता रहा हूँ रोड पर गोबर पड़ा है, रोडें टूटी हुई है, ये सामने देखिए आप, बहुत बुरी कंडीशन में पूरा एरिया है। अगर विधायक जी ने काम नहीं किया तो कम से कम ये तो कह सकते हैं कि साहब मैं कुछ क्षेत्रों में काम कराया कुछ में नहीं कराया। खबर लश्कर से है जहां 9 जोड़ी एक्सप्रेस रेलगाड़ी एक सप्ताह के लिए निरस्त की जा चुकी हैं। दरअसल आलम नगर में रेलवे स्टेशन के काम के चलते मेगा ब्लॉक हो गया है। इसी खबर
इसी के साथ 5 रेलगाड़ियों को उत्तराखंड से होकर गुजरने वाली है उन्हें भी निरस्त कर दिया गया है। मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीएसएम सुधीर कुमार ने इस मामले पर विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लखनऊ के पास आलमनगर में रेलवे ट्रैक पर दोहरीकरण NHI वर्ग के चलते ट्रेनें निरस्त की गई हैं। लालकुआ में आचार संहिता और कोविड नियमों के पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। इसी बीच DIG नीलेश आनंद भरड़े ने पुलिस चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया है। आचार संहिता को लेकर जिले के सभी सीमाओं पर पुलिस चेक पोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर लालकुआ के पुलिस चेक पोस्ट पर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जहां सभी तरह के वाहनों की जांच की जा रही है। कोई इस तरह से अगर सूचना मिलती है तो गाड़ियों की आकस्मिक चेकिंग करते रहे ताकि शराब पैसा इस तरह से कहीं अगर वो होती है तो अधिक से अधिक बरामदगी करें। अभी ये सारा टांडा नगला लालकुआ ये सब एरिया, ये नई गाड़ियां आज से शुरुआत हो गई है जिसमें 112 के अधीन जो है ये गाड़ियां चलेगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही हर पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने और अपने पार्टी के सरकार बनवाने के दावे पर काम करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अपने कैंप कार्यालय पर प्रदीप बत्रा ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि भाजपा पार्टी द्वारा जो विकास के कार्य किए गए हैं उनके आधार पर ही जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी और 2022 में फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। राजनीति के उथल पुथल का समय है और सभी लोग अपनी राजनीति करने में लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह दृढ़ है, मजबूत है और मजबूती से खड़ी है, तो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला और पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे और रुड़की सीट जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। उत्तराखंड राज्य में भी आगामी फरवरी माह में चुनाव होना है। संपूर्ण उत्तराखंड में आचार संहिता लागू है लेकिन आचार संहिता का फायदा विकासनगर तहसील क्षेत्र में खनन माफिया उठा रहे हैं। बात की विकासनगर तहसील क्षेत्र की तो खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि विकासनगर तहसील क्षेत्र की चंद दूरी पर यमुना नदी तट के साथ ही नावघाट क्षेत्र के खनन का खेल व्यापक स्तर पर चल रहा है। ऐसा नहीं प्रशासन को इस काले कारोबार की भनक न हो, मगर सच यह है कि जिम्मेदार अधिकारी ने कभी गंभीरता के साथ नदियों के दर्द को समझा ही नहीं। नतीजा खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है और वो रात दिन अवैध रूप से यमुना नदी के उपखनन कर रहे हैं। शासन के द्वारा ही जिलाधिकारी महोदय के द्वारा खनन विभाग की जिम्मेदारियां फिक्स की गई है कि उनकी टीमें दिन भर इन जगहों का भ्रमण करेंगी और साथ में हमारी रेवेन्यू की टीम और पुलिस की टीम की जहाँ जहाँ मदद की आवश्यकता होगी वो मदद ली जाएगी और उसी के लिए हमने एक टीम का गठन भी किया है जो इस चीज पे नजर रखे। आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, फरवरी माह में चुनाव होने हैं और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि चुनाव को लेके उत्तराखंड में धारा 144 लागू है, चुनाव आचार संहिता लागू है और वही दूसरी बात आपको बता दूं कि विकासनगर तहसील में इस आचार संहिता का असर यहाँ के जो स्थानीय खनन व्यवसायी हैं, खनन माफिया हैं, उन पे नहीं पड़ रहा है। मैं अभी मौजूद हूँ विकासनगर तहसील क्षेत्र के नावघाट पुल में जहाँ पर खनन जो यमुना नदी का सीना चीर के जो खनन व्यवसायी हैं यहाँ पर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि जरा दिखाइए कि किस प्रकार जो है यहाँ पर नदी का सीना चीरा जा रहा है, अवैध खनन का कारोबार बदस्तूर जारी है, खनन माफिया रात दिन नदियों का सीना चीर कर चांदी काट रहे हैं, वही जिम्मेदार अधिकारी नींद में हैं और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि खनन माफियों का मजबूत नेटवर्क ही कहेंगे कि प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही इन्हें भनक लग जाती है, फिर अधिकारियों के पास लकीर पीटने के सिवाय कुछ भी नहीं है। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है वो कुंभकर्णी नींद सोया है, कब जागेगा विकासनगर स्थानीय प्रशासन जब ये जो है खनन उठ जाएगा। अब देखना है कि विकासनगर तहसील प्रशासन कब जागता है ये आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड से प्राइम टीवी न्यूज चैनल हेड विनोद रोथान की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 14 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा।
ऐसे में अब सभी राजनीतिक दल धीरे धीरे अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है, तो वहीं उत्तराखंड की सियासत में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है और उस मोड़ का मान है हरक सिंह रावत। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों के बीच बीजेपी ने उनके खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें सरकार और बीजेपी दोनों से ही बाहर कर दिया है। इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि रावत पार्टी पर उनके परिवार के सदस्यों को टिकट देने का दबाव बना रहे थे। सीएम धामी ने कहा कि हमारी पार्टी में वो आए, उन्होंने विकास के मामले में जो कहा हमने किया, लेकिन हमारी पार्टी वंशवाद से दूर और विकास के साथ चलने वाली पार्टी है। कई बार उनकी कुछ बातों से हम असहज हुए, स्थितियां ऐसी हुई कि वो पार्टी पर दबाव बना रहे थे, जिसके बाद पार्टी ने ये निर्णय लिया। साथ ही अब एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। हमारी पार्टी में वो आए और हमने उनको बहुत सहज से और कई बार जो विकास के मामले में उन्होंने जितनी बातें भी जो भी करी हम लोगों ने हमेशा किया, लेकिन हमारी पार्टी हमेशा विकासवाद पर चलने वाली पार्टी है, राष्ट्रवाद पर चलने वाली पार्टी है, वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चले, लेकिन यहां पर चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। हम आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। वहीं सरकार और पार्टी से निकाले जाने के बाद भी हरक सिंह रावत के तेवर नरम नहीं हुए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। रावत ने कहा कि वह कांग्रेस के लिए अब पूरे तन मन से काम करेंगे। रावत के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है। इन्होंने मनगढ़ंत खबरों के आधार पर निर्णय ले लिया, अब क्या बोलेंगे? क्या ये बोलेंगे कि हाँ हमने हरक सिंह को काम नहीं करने दिया, मेडिकल कॉलेज नहीं बना दिया, हमने सेंट्रल स्कूल नहीं खोला, हमने रुद्रप्रयाग कुरदार जिला नहीं बनाया, हमने रोजगार नहीं दिया लोगों को, हमने महंगाई कर दी, हमें कमियां ही कमी, ये तो नहीं बोलेंगे ना? अरे जिनके घर शीशे होते हैं उनको पता नहीं मानना चाहिए। मैं इन सबको समझता हूँ ना, सबको समझता हूँ, मैं ऊपर से लेकर नीचे सबको जानता हूँ मैं। सर इस विधानसभा ऐसा ना, हमारे सब नंगे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। अब मेरे पे लांछन लगा के मेरे पे पत्थर डाल के कि मैं इसलिए मैंने पला जो सिर्फ इतना 3-4 दिन पहले कहा, मैंने कहा देखो मैं अभी वहां गया था, लेस्टरूम गया था, वो लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, आप एक बार, मैं नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव, आप उस पर विचार कर लो, इतनी बात हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा है, मैं अमित शाह जी से नड्डा जी से इस मुद्दे पे बातचीत करूंगा। ये कोई पहला मौका नहीं था जब हरक की वजह से बीजेपी असहज हुई हो। लगातार अपने तल्ख तेवर की वजह से हरक सुर्खियों में रहते हैं, तो वहीं इस बार हरक सिंह रावत पर आरोप लगा कि हरक पार्टी पर 3 टिकट देने का दबाव बना रहे थे। वह पार्टी से खुद के अतिरिक्त अपनी पुत्रवधू और अपने एक समर्थक को टिकट देने की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी हरक के आगे नहीं झुकी और उल्टा उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर पार्टी से भी 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। इससे पहले भी दिसंबर में हरक सिंह रावत कैबिनेट से उठकर चले गए थे और इस्तीफे की धमकी दी थी। तब राज्य सरकार ने उनकी मांग मानते हुए कोटद्वार में एक मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इस बार हरक सिंह रावत की मांग और ज्यादा बढ़ गई। 1991 में पौड़ी से भाजपा की टिकट पर विधायक निर्वाचित। 1991 कल्याण सिंह सरकार में सबसे युवा मंत्री बने। 1993 में फिर पौड़ी सीट से निर्वाचित हुए। 1995 विवादों के बीच भाजपा का साथ छोड़ा। 1997 मायावती के नेतृत्व वाली बसपा में शामिल।
1997 में यूपी खादी ग्रामोद्योग में उपाध्यक्ष बने। 2002 कांग्रेस से लेंस डाउन के विधायक बने। 2002 तिवारी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। वहीं 2003 जेनी प्रकरण में इस्तीफा देना पड़ा। 2007 फिर से लेंस डाउन के विधायक बने। 2007 में कांग्रेस से नेता विपक्ष बनाए गए। 2012 रुद्रप्रयाग से विधायक निर्वाचित हुए। 2016 कांग्रेस से इस्तीफा दिया, भाजपा में वापसी। 2017 भाजपा से कोटद्वार से विधायक बने। 2017 भाजपा सरकार में फिर मंत्री बनाए गए। 2022 भाजपा सरकार से बर्खास्त किए गए। माना जा रहा है कि अब हरक सिंह रावत दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हरक सिंह रावत 5 साल पहले कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में आए थे। वैसे हरक सिंह रावत और राजनीतिक दल बदलने का इतिहास काफी पुराना है। हालांकि अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि हरक इस बार क्या कदम उठाते हैं और उनके कदम का फायदा किसको मिलता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो यह थी उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।